नमस्कार बीट टुडे चैनल को समस्त स्वागत आशा कर समस्त भल रही तो आज आम जीके क्लास षष्ठ पार्ट रही चलतु डेन करी स्टार्ट करवा तो देखो प्रथम क्वेश्चन कौन पचार व्हाट वाज ओडिशा कॉल्ड इन एंशिएंट टाइम जो पचार एंशिएंट टाइम ओडिशा को कौ नाम जना जाऊला कि क्यों नाम प्रसिद्ध थी तो ऑप्शन ए रे कौन कलिंग ऑप्शन बी रे कौन कोंकण ऑप्शन सी रे कौन कुरुक्षेत्र डी रे कौन उत्सव तो यार सठिक आंसर कौन ऑप्शन ए कौन ना कलिंग आम ओडिशा को एंशिएंट पीरियड कौन रखा जाता ना कलिंग नाम ओडिशा परिचित थिला देन तापर क्वेश्चन से पचार ना व्हेन डिड द कलिंग वार एंड से पचार कलिंग वार जानते कलिंग वार का सहित होता ना जो ग्रेट अशोक सहित होता कौटी होता ना आपणकर दया नदी कूल दया नदी कूल होता कौटी होता दया नदी कूल जो आप धौली गिरी बा धौली शांति स्तूप अवस्थित कौटी होता ना धौली रही कौट दया नदी कूल रही का सहित अशोक सहित तो से पचारे जो व्वेन डिड द कलिंग वार एंड जो आप कलिंग वार थी के एंड होता तो यार सठिक आंसर आप ऑप्शन नंबर वन कौन ना 261 BCE आपणकर 261 ख्रीष्टपूर्व यह समाप्त होता देन तापर क्वेश्चन से पचार क्वेश्चन से पचार ना व्हेन वाज द जगन्नाथ टेम्पल कम्प्लीट जो आप जगन्नाथ टेम्पल ताब कम्प्लीट होता तो मन रखिए के यार आंसर हो एगारश61 ख्रीटाब्दर यह कम्प्लीट होता तो मन रखिए जगन्नाथ टेम्पल क्या द्वारा बिल्ड कराइला ना जगन्नाथ टेम्पल आप बिल्ड कराइला क्या द्वारा ना चड़गंग देव क्या चड़गंग देव द्वारा यह आरंभ कराइला क्या द्वारा ना जगन्नाथ टेम्पल चड़गंग देव देन तापर क्वेश्चन से पचार व्हिच पोएट इज नोन एज कवि सम्राट से पचार आप रही जो कहाँ को आम कवि सम्राट बोली जानी था तो ऑप्शन ए रे कौन देखियो ब्रजमोहन पंडा ऑप्शन बी रे कौन देखिए उपेन्द्र भंज ऑप्शन सी रे कौन बलदेव रथ ऑप्शन डी रे आप जगन्नाथ दास तो यार सठिक आंसर कौन जो समस्त जानते कौन ना उपेन्द्र भंज आम उपेन्द्र भंज कौन कही था ना कवि सम्राट कही था कौन ना कवि सम्राट उपेन्द्र भंज तापर क्वेश्चन देखिए से पचार हु रोट द बुक गीता गोविंद से पचार जो आप गीत गोविंद अच्छे किए रचना करते ऑप्शन देखिए कौन दे जयदेव दुई रे कौन अच्युतानंद तीन रे आप हरधर नाग और डी रे जयदेव आपणकर दीटा ऑप्शन सामान रही चलो किसी असुविधा नहीं तो यार सठिक आंसर कौन हो ना जयदेव आपणकर जयदेव आप गीत गोविंद किए रखते ना जयदेव आपड़ी कह गीत आपड़ी कह जयदेव कहारू कोर्ट पोएट थी कि कौ समय कोर्ट पोएट थी मन रखिए गंग डायनेस्टी ना गंग डायनेस्टी समय से कोर्ट पोएट थी कहार कोर्ट पोएट थी जदि देखिए आपणकर चड़गंग देव समसामयिक थी ना आपणकर चड़गंग देव को समसामयिक थी ना जयदेव यार सठिक आंसर कौन ऑप्शन ए एवं ऑप्शन डी दुटा सारा आप सामान अच्छे तेणुक आप दुटा सारा टिक करेंगे देन तापर से पचार व्हेन वाज द कोणार्क सन टेम्पल इनक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज पचार आप जो कोणार्क टेम्पल रहा के इनक्लूड कराइला कौन ना यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रे ऑप्शन ए रे कौन दीजिए 1974 ऑप्शन बी रे 1976 ऑप्शन सी रे 1980 और ऑप्शन डी रे 1984 तो मन रखिए आप कोणार्क सन टेम्पल के इनक्लूड कराइला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रे ना 1984 के ना 1984 केबे कराइला पुणी कही दे 1984 मसीह यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रे इनक्लूड कराइला क्या ना कोणार्क सन टेम्पल को देन तापर क्वेश्चन से पचार कंस्ट्रक्टेड द कोणार्क सन टेम्पल तो पचार जो रही कोणार्क सन टेम्पल कोणार्क सूर्य मंदिर किए गठन करते कि किए तैयारी आरंभ क्या द्वारा यह आरंभ होता तो मन रखे यार सठिक आंसर कौन हो ना नरसिंह देव वन आपण नरसिंह मन आप समस्त जानते आम जहाँ को कौ नाम जानू आम ना नांगुला नरसिंह देव तो यह सठिक आंसर कौन ना ऑप्शन नंबर सी आपणकर कोणार्क सन टेम्पल किए कंस्ट्रक्ट करते ना नरसिंह देव वन देन तापर क्वेश्चन को जी तापर क्वेश्चन देखिए कौन पचार व्हेन वाज द फर्स्ट ओडिया मैगजीन जनऋण पब्लीश पचार जो ओडिया प्रथम मैगजीन जनऋण केबे
पब्लीश होता तो ऑप्शन ए रे कौन दे 1849 ऑप्शन बी रे 1822 ऑप्शन सी रे 1811 और ऑप्शन डी रे 1809 तो मन रखे यार सठिक आंसर कौन हो ना 1849 मसीह पब्लीश कराइल ऑप्शन नंबर वन यार सठिक आंसर केवे कर 1849 जदि पचारे जो आप रहा जो ओडिया मगाजिन जो प्रथम मगाजिनटा था जनरण क्या द्वारा पब्लीश कर मन रखे द मिशनरी क्या द्वारा द मिशनरी अपनों जो क्रिश्चियन मिशनरी मानते हैं द्वारा यह आरंभ कर क्या द्वारा ना आप जो क्रिश्चियन मिशनरी थे द्वारा यह आरंभ कर क्वेश्चन से पचार व्हिच डायनेस्टी इज बिलीव हाव टू बिल्ड द लिंगराज टेम्पल आप जो लिंगराज टेम्पल अच्छे कौटी अच्छी ना आप भुवनेश्वर अच्छी तो ताको डायनेस्टी या करते पचार ऑप्शन ए रे कलिंग डायनेस्टी ऑप्शन बी रे नंद डायनेस्टी ऑप्शन सी रे ऑप्शन सी रे कौन ना समवंशी डायनेस्टी ऑप्शन डी रे आम नाग डायनेस्टी तो यार सठिक आंसर कौन हो मन रखिए समवंशी डायनेस्टी तो विश्वास करा जाए कि आप जो लिंगराज टेम्पल थी से समवंशी डायनेस्टी द्वारा देन तापर क्वेश्चन पचार हु वाज द फर्स्ट रिसिप्टेंट फ्रॉम ओडिशा टू रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर द ओडिया लैंग्वेज अपन जो पचारे आम ओडिशा किए प्रथम थर ज्ञानपीठ पाई मन रखिए आप जो अवार्ड दि जाए कौन दि जाए ना क्रिएटिव राइटिंग कौन दि जाए ना क्रिएटिव राइटिंग कौन थी दि जाए ना लैंग्वेज आप जो सब जानते कौन ना आम 22 टी शेड्यूल लैंग्वेज अच्छी तो ये जो 22 टी शेड्यूल लैंग्वेज अच्छी ताकि जी भल जार लाइटिंग भल था कि क्रिएटिव था दि जाए तो प्रथम थर आम ओडिशा किए पाई मन रखिए गोपीनाथ महांती किए पाई ना गोपीनाथ महांती देन तापर क्वेश्चन को जीवा तापर क्वेश्चन देखिए कौन कही हु रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर द ओडिया लैंग्वेज फ्रॉम ओडिशा इन 2011 तो 2011 हम ओडिशा रु किए ओडिशा अवार्ड पाई कौन ना ओडिया लैंग्वेज तो मन रखे यार सठिक आंसर कौन जीवन प्रतिभा रॉय किए आपणकर गोपीनाथ महांती प्रथम थर पर ओडिशा रु पाई प्रथम ओडिया जे पाई कौन ना ज्ञानपीठ 2011 क्या मिले ना प्रतिभा रॉय देन तापर क्वेश्चन से पचार व्हिच वाज द फर्स्ट ओडिया न्यूज पेपर से पचार आम ओडिया न्यूज पेपर कौन प्रथम ओडिया न्यूज पेपर कौटा तो प्रथम ऑप्शन देखिए कौन उत्कल दीपिका द्वितीय ऑप्शन कौन दे दैनिक आशा तृतीय ऑप्शन कौन दे दशमाज और चतुर्थ दे कुजीवार पात्र तो मन रखे प्रथम ओडिया न्यूज पेपर नाम कौन ना उत्कल दीपिका एवं यह केवे पब्लीश होता ना आपणकर 1800 केवे 1866 मसीह क्या द्वारा होता जब पचार देन मन रखे कौन ना गौरी शंकर रॉय यार एडिटर किए थे ना गौरी शंकर रॉय एवं आउ गोटे जो क्वेश्चन से पचार ओडिशा प्रथम प्रेस केवे स्थापित होता जब प्रथम प्रेस केवे स्थापित होता मन रखे केवे 1837 क्या द्वारा ना क्रिश्चियन मिशनरी द्वारा यह स्थापित होता मन रख तापर क्वेश्चन को जीवा तापर क्वेश्चन देखिए कौन कही हु वाज द एडिटर ऑफ उत्कल दीपिका द फास्ट ओडिया न्यूज पेपर ए जस्ट मुझे कहली कौन ना गौरी शंकर रही तो ऑप्शन नंबर बी यार सठिक आंसर हो गौरी शंकर रही थी आम कहार एडिटर ना उत्कल दीपिका जहाँ थी आम ओडिशार प्रथम ओडिया न्यूज पेपर देन तापर क्वेश्चन से पचार हु क्रिएटेड हु सॉरी हु क्रेडिटेड आज द क्रिएटर ऑफ धूमपा संगीत आपड़ जो थी धूमपा संगीत तार क्रिएटर से किए पचार तार रचयिता किए कारण ना धूमपा संगीत तो धूमपा संगीत जो थी धूमपा संगीत तार रचयिता आप मन रखिए किए ना आपणकर बलदेव रथ ये ना आपणकर बलदेव रथ देन तापर क्वेश्चन से पचार जो थी प्रथम ओडिया मगाजिन बध दायनी केवे पब्लीश होता कौटी पब्लीश होता पचार व्हेयर वाज द फर्स्ट ओडिया मगाजिन बध दायनी पब्लीश तो मन रखे यार सठिक आंसर कौन हो बालेश्वर होता तो बालेश्वर होता तो पचार जी क्या द्वारा होता ना मन रखे आमर फकीरमोहन सेनापति द्वारा होता क्या द्वारा होता ना फकीरमोहन सेनापति बुझिपारे कौन कही बध दायनी कौट पब्लीश होता ना बालेश्वर ठार होता क्या द्वारा होता ना फकीरमोहन सेनापति द्वारा होता तापर क्वेश्चन को जीपर क्वेश्चन पचार व्हेन वाज द फर्स्ट ओडिया मूवी सीता विवाह रिलीज जो आप ओडिया प्रथम मूवी सीता विवाह केवे रिलीज होता तो ऑप्शन एक नंबर देखिए कौन ना 1935 दुई 1396
ଏବଂ 1937 ଏବଂ 1939 ଦେଇଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ସୀତା, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ସୀତା ବିବାହ କେବେ ରିଲିଜ ହେଇଥିଲା ନା ମନେ ରଖିବେ, 1936। ତ ଏଇଟା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର, କିନ୍ତୁ ଏହା ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଇଛି କ୍ରମାନ୍ୱୟ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ। ତ ମନେ ରଖିବେ କ'ଣ ନା 1936 ଏହା ରିଲିଜ ହେଇଥିଲା, କେବେ ନା 1936। କ'ଣ ନା ସୀତା ସୀତା ବିବାହ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି। ତ ଏହାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କିଏ କରିଥିଲେ ନା ମନେ ରଖିବେ, ମୋହନ ସୁନ୍ଦର ଗୋସ୍ୱାମୀ। କିଏ କରିଥିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ନା ମୋହନ ସୁନ୍ଦର ଗୋସ୍ୱାମୀ, ବୁଝିପାରିଲେ? କିଏ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଥିଲେ ନା ମୋହନ ସୁନ୍ଦର ଗୋସ୍ୱାମୀ। କାହାକୁ କରିଥିଲେ ନା ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ସୀତା ବିବାହ। କାହା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା ଏ ମୁଭି ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରାମାୟଣ ଥିଲା, ରାମ ଏବଂ ସୀତାଙ୍କ ବିବାହ ଉପରେ ଏହା ରଚିତ ଆଧାରିତ ଥିଲା। ଦେନ୍ ଯଦି ମୁଭି ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବନିପାରେ, କ'ଣ ଆମର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ କଲର୍ ମୁଭି ବା କିମ୍ବା ରଙ୍ଗୀନ ମୁଭିର ନାଁ କ'ଣ ମନେ ରଖିବେ, କ'ଣ ନା ଗପ ହେଲେ ବି ସତ। କ'ଣ ଗପ ହେଲେ ବି ସତ। ତ ଏହା କେବେରେ ରିଲିଜ ହେଇଥିଲା ନା ମନେ ରଖିବେ, 1976 ମସିହାରେ ରିଲିଜ ହେଇଥିଲା। କ'ଣ ନା ଗପ ହେଲେ ବି ସତ। କିଏ ଏହାର ଏ ମୁଭିକୁ ଡିରେକ୍ଟ କରିଥିଲେ ନା ନଗେନ ରୟ। ମନେ ରଖିଲେ କ'ଣ ନା ଗପ ହେଲେ ବି ସତ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ କଲର୍ ମୁଭି, ଏବଂ କେବେ ରିଲିଜ ହେଇଥିଲା ନା 1976 ମସିହାରେ। କାହା ଦ୍ୱାରା ଡିରେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା ଏହାକୁ ବା କିଏ ଡିରେକ୍ଟ କରିଥିଲେ ନା ନଗେନ ରୟ। ଦେନ୍ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେ ପଚାରିଛି କ'ଣ, ହ୍ୱେନ୍ ଡିଡ୍ କଳା ପାହାଡ଼ ଇନଭେଡ଼ ଓଡ଼ିଶା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କଳା ପାହାଡ଼ କିଏ ଥିଲେ ନା ଆପଣଙ୍କର ବେଙ୍ଗଲ କିଙ୍ଗର, ଯେଉଁ ବେଙ୍ଗଲ ସୁଲତାନ ତାଙ୍କର ସେନାପତି ଥିଲେ ସୁଲେମାନୀ, ତାଙ୍କର ଇଏ ସେନାପତି ଥିଲେ। ତ ଇଏ କେବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଇନଭେଡ଼ କରିଥିଲେ କଳା ପାହାଡ଼, ମନେ ରଖିବେ 1568ରେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। କେବେ ଇନଭେଡ଼ କରିଥିଲେ 1568। ଦେନ୍ ତାପର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା, ତାପର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଛି ନା ପଚାରୁଛି, ୱେନ୍ ୱାଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟାଟରେଡ୍ ବାଏ ସୁପର ସାଇକ୍ଲିଂ ଷ୍ଟର୍ମ। ଯାହା ପଚାରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା କେବେ ଫେସ୍ କରିଥିଲା କାହାକୁ ନା ସୁପର ସାଇକ୍ଲିଂ। ମନେ ରଖିଥିବା ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ କ'ଣ ନା ଆପଣ ଯେଉଁ ମହାବାତ୍ୟା ଶୁଣିଥିବେ କେବେ ଆସିଥିଲା ନା 1999। ଯେଉଁ ଆପଣ ମହାବାତ୍ୟା ଥିଲା କେବେ ଆସିଥିଲା 1999, ଏଠି ଦେଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। କେବେ ନା 29 ଅକ୍ଟୋବର 1999। ମନେ ରଖିବେ କେବେ ଆସିଥିଲା 29 ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଏହା 4 ନଭେମ୍ବର ପ୍ରଭାବ ହୋଇଥିଲା, କେବେ 4 ନମ୍ବର 1999। ତ ଏହାକୁ ଆମେ ମହାତ୍ୟା ବୋଲି ଜାଣୁ। ଦେନ୍ ତାପରେ ପଚାରୁଛି, ହୁ ରୋଡ୍ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଥେମ୍, ଯେଉଁ ଆମର ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଯେଉଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସଙ୍ଗୀତ ରହିଛି, ତାକୁ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ତ ପ୍ରଥମ ଦେଇଛି କ'ଣ ଦେଖିବା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସାହୁ। ଅପସନ୍ ବିରେ ଦେଇଛି କ'ଣ, ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ। ସିରେ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଦାବରୀ ମହାପାତ୍ର। ଡିରେ ଦେଇଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଆସିଯିବ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଡି, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ଆମ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ କ'ଣ ଉପାଧି ମିଳିଛି ନା କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କାହା ଦ୍ୱାରା ରଚନା କରାଯାଇଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଦେନ୍ ତାପର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା, ସେ ପଚାରୁଛି କ'ଣ ନା, ହଁ ସେଇ ସେମ୍ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀକୁ ନେଇକି ରିଲେଟେଡ଼ ସେ ପଚାରୁଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଏହାକୁ କେବେ ମାନ୍ୟତା ଦିଆହେଇଥିଲା କି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଥେମ୍ ହେବ ବୋଲି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଆନ୍ଥେମ୍ ବୋଲି କେବେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ ମିଳିଥିଲା କେଉଁଠି ନା ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ। ତ ମନେ ରଖିବେ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା ଆପଣଙ୍କର 7 ଜୁନ୍ 2020ରେ। କ'ଣ ଦିଆହେଇଥିଲା ନା ଏହାକୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସଙ୍ଗୀତ, ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିଲା। କାହାକୁ? ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଏବଂ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ଦେନ୍ ତାପର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା, ତାପର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରୁଛି କ'ଣ, ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ କମ୍ପୋଜର୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ ଥିଲା ତାକୁ ପ୍ରଥମେ କିଏ କମ୍ପୋଜ୍ କରିଥିଲେ? ତ ଅପସନ୍ରେ ଦେଇଛି କ'ଣ, ସୁଦ୍ରମଣି ସାରଳା ଦାସ, ଅପସନ୍ ବିରେ ଦେଇଛି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଦେଇଛି ଅନନ୍ଦ ଶଙ୍କର ରୟ, ଏବଂ ଡିରେ ଦେଇଛି ଆମ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ତ ମନେ ରଖିବେ କ'ଣ ନା ଆମ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତକୁ କିଏ କମ୍ପୋଜ୍ କରିଥିଲେ ନା ସୁଦ୍ରମଣି ସାରଳା ଦାସ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ଦେନ୍ ୱେନ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ଆଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ଆମର ଯେଉଁ କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ, ତ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କେବେ ତାକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ କରାଯାଇଥିଲା କେଉଁଠି ଥିଲା ନା କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ତ ମନେ ରଖିବା କେବେ କରାଯାଇଥିଲା ନା 2014। 2014ରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍କୁ ଏକ କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିଲା। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ଦେନ୍ ତାପର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା, ତାପର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି,
Where was the first session of Utkala Union Conference held? So, पचाची आपनों जो प्रथम session थिला कहारो, ना Utkala Union Conference held, केबे ही थिला, तो मने रखिवे, ना कोड ही थिला से पचाची, तो कोड ही थिला ना कटक रे प्रथम यार, session ही थिला, किंबा आपनों बैठक ही थिला कहारो, Utkala Union Conference held, तो केबे ही थिला, जो दिव पचाईवो, देन यहा ही थिला 1903 मसियार, केबे थिला ना 1903 मसियार देन तापर क्वेश्चन से पचार छी हु वाज गिवन द टाइटल ज्वेल ऑफ ओडिसा जो आपन को ज्वेल ऑफ ओडिसा टाइटल का को मिली छे तो ज्वेल ऑफ ओडिसा उत्कलमणि तो उत्कलमणि का को मिली छे मने रखिबे न आपन को गोपबंधु दास जे हो मेंशन भी कराइ छे कोन उत्कलमणि गोपबंधु दास तो यार सटीक आंसर कोन हिबो ऑप्शन नंबर डी यार सटीक आंसर देन तापर क्वेश्चन पचार छी जो गोपीनाथ महांती वाज द विनर ऑफ साहित्य एकेडमी अवार्ड 1955 और व्हिच नोवेल से पचा जो आपन जो गोपीनाथ महांती जीती थिले कोटर ना जो आपन को मिली थिला ताको कोन साहित्य एकेडमी अवार्ड केमे मिलथ 1955 ने तो या को नोवेल पई तो देखन दो ऑप्शन ने कोन दिसि दाढ़ी बूढ़ा आपन को अमृतर संतान युद्ध और शांति एवं परोजा तो मन रखे कौटिप मिली था कौ नोवेल आपंकर अमृतर संतान अमृतर संतान गोपीनाथ महांती को साहित्य अकाडेमी अवार्ड मिलता है क्या मिलता है ना 1955 देन तापर क्वेश्चन से पचार व्हेन डिड द जीआई रजिस्ट्री ऑफ इंडिया ग्रांट ओडिशा द जीआई स्टेटस रसगोला तो आपंकर जो रसगोला के जीआई स्टेटस मिली था तो यार सटीक आंसर कौन हम मन रखे 2019 रे आम जो ओडार रसगोला को जीआई स्टेटस मिली क्या द्वारा ना आपण को जीआई रजिस्ट्री ऑफ इंडिया ये को ग्रांट करते कौन 2019 रसगोला को जीआई स्टेटस देते देन तापर क्वेश्चन को जीवा व्हिच इज द फर्स्ट इंग्लिश डेली न्यूज पेपर पब्लिश इन तो पचार जो प्रथम आम डेली इंग्लिश थी कौ नाम प्रचलित थिला तो प्रथम ऑप्शन देछि कोन द न्यू ओडिसा द्वितीय ऑप्शन देछि ओडिसा टाइम तृतीय ऑप्शन देछि ओडिसा ऑब्जर्वर चतुर्थ ऑप्शन देछि द टाइम्स ऑफ मन रखिबे प्रथम इंग्लिश टेल न्यूज़पेपर कोन थिला ना द न्यू ओडिसा कोन थिला द न्यू ओडिसा देन तो एहाई थिला हमर आजर शेष क्वेश्चन तो आशा करछि क्लास टी भलो लागितिबो यदि आपन को क्लास गुडा सब भलो लागछि देन गोटे लाइक एवं सब्सक्राइब करदे पुणी देखा अन्य एक क्लास धन्यवाद जय जगन्नाथ।